रिशिमा, आप परेशान लग रही है। हाँ युग, जिस तरह से गौरी आजकल बर्ताव कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो पागलपन की तरफ तरफ जा रही है। उसे समझना होगा कि ये घर उसकी मनमर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। काश ऐसा हो जाए, काश अपने आप सब कुछ पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाए। आपको लगता है गौरी खुद से समझ पाएगी? काश गौरी को समझ में आ जाए कि जो वो कर रही है वो बहुत गलत है। उनके ये सब करने से सिर्फ ये परिवार टूटेगा और कुछ नहीं। अब तो बस उम्मीद ही की जा सकती है। ये दिया ऐसे गिर कैसे गया? केरोसिन यहां इतना सारा, ये कहां से आया? क्या हो रहा है इस घर में? ये दिया ऐसे कैसे गिर गया? संजीवना, संजीवना, संजीवना! ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। और कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई। तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई। और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने,
अलीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्य? तेरी शादी माई इच्छा से